वड्डी खबर दिड़बा तो आ रही है। उसे दसा जा रहा है कि दिड़बा दे विच दसवीं जमात विच पढ़ते नौजवान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जी हाँ, तुम्हें दस दी कि इस वेल की वड्डी खबर जिहड़ी है दिड़बा तो आ रही है, जिथे दसा जा रहा कि दिड़बा दे विच दसवीं जमात विच पढ़ते नौजवान की स्कूटी अगे एक बच्चा आ गया सी, जिस तो बाद यह भी दसा जा रहा है कि बच्चे नूं किसी तरह की सट नहीं लगी, ना किसी तरह का जिहड़ा इह नुकसान होया सी, पर बच्चे के पिता समेत 10 तो 15 जणिआं ने भरे बाजार दे विच नौजवान दी कुटमार करती। नौजवान ने कुटमार की बेइज्जती ना सहारदे हुए घर जाके दूसरे ही दिन पक्खे नाल फाहा लगा के जिहड़ी अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। दसिया जा रहा है कि सुसाइड नोट विच मारकुट करन वाले स्कूटी अगे आने वाले दे बच्चे दे पिता समेत कुल 15 जणिआं दा जिहड़ा है वेरवा लिखिया गया है, जिस तों बाद निराश होकर नौजवान ने लिखिया है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार से दोषी नूं गिरफ्तार कर लिया है, बाकियां दी जांच हो रही है। तुहानूं दस दईए कि दिड़बा दी पारस कलोनी दे वसनीक नाबालिग वल्लों फाहा लगा के खुदकुशी कर ली गई है, जिस तों बाद मृतक दे परिवार ने इंसाफ दी मांग की है। कहा कि जिन्हां जिन्हां लोगों ने जोबनप्रीत दी बिना वजह कुटमार की सी उन्हां खिलाफ सख्त तों सख्त कार्रवाई की जाए। उधर थाना दिड़बा विखे मृतक बच्चे जोबनबीर सिंह दे पिता जगसीर सिंह बयाना उक्त व्यक्ति रणधीर सिंह वासी बलाद लदाल खिलाफ मामला दर्ज करके उसनू गिरफ्तार कर लिया। जोबनवीर दे पिता आते जोबनवीर दी भैन ने पत्रकारा नाल गलबात करदिया सुनो की कहा। हां जी, की नाम है? जगसीर सिंह जी। हां जी जगसीर जी, घटना जिहड़ी किवें वापरी है घटना तुहाडे बेटे नाल? ये मेरा बेटा जी 16 तरीक दिन वीरवार नू ट्यूशन ते जा रहा सी, शेरे पंजाब मार्केट विच दी कोई वरना गड्डी खड़ी सी, उत्थे अचानक ही वो कोई चीमा दी पछम दी दुकान आ, उन्हां दा कोई रिश्तेदार सी, उन्हां दा बच्चा सीगा, अचानक ही आ गया मूहरे। उहदे अचानक आया होया तां उन्हां ने कुछ नहीं पुछया हैगा, उहदी बुरी तरह कुटमार कीती, अगे रौला पै गया, होर बंदे आ गए, सुनिया भी कुछ 15 16 बंदे सीगे। जो मेरा बेटा सीगा जोबनवीर सिंह 10वीं क्लास दे विच पढ़ रहा सी, स्टडी कर रहा सीगा संगरूर विखे लड्डा स्कूल दे विच, बसंत वैली स्कूल दे विच पढ़ रहा सीगा। पर वह मानसिक तौर पर इन्ना परेशान हो गया, अपनी परेशानी ना सहारदा होया भी दूजे बंदिया ने जिहड़े ने कुट्टिया, कुटमार उहदी काफ़ी कीती, थप्पड़ मारे, उहते थप्पड़ मारे, गाली गलोच कीती, उहनूं धमकियां भी दित्तियां, तेरे ते परचा करा दांगे, परचा करा दांगे, तैनूं जेल पहुँचा दांगे। काफ़ी कुछ बच्चे नूं जिहड़ा छोटा बच्चा सी 10वीं दा, उह इन्ना परेशान हो गया। असीं बाहर सीगे उहदे, सानूं कुछ नहीं दस्सिया। ये परेशानियां सारियां सहारते हुए घर कला सीगा बेटा, असी अपने अपन ड्यूटियां ते गए हुए सीगे, अखे नाल लटक के सुसाइड करके। स्कूल गया नहीं उस दिन? स्कूल गया नहीं जी, घर ही सीगा। मैं जी अध्यापक लग्या होया सरकारी हाई स्कूल खरनाल विखे। बच्चे दे मम्मी जी हेल्थ डिपार्टमेंट दे विच नेगे, संगरूर वार्ड अटेंडेंट दी पोस्ट ते नेगे, संगरूर विखे आपदी नौकरी करके आए सीगे। पर उन्हां नूं ये नहीं पता सी वी ये भाणा वरत्या पिया अगे। बच्चे दा मैनूं पता लग्या जी जदों बच्चे दी मम्मी ने घर आ के देखिया वी मेरा बेटा कित्थे हैगा। एक वारी उपर जाए, जदों फिर दूजी वार उपर गए, बेटा पक्खे नाल लटकिया होया सीगा। ते मैनूं जो गवांढ सी सीगे उन्हां दा फोन गया जी, मैं इत्थे घर पहुँचया जी, मेरे आउंदे नूं हादसा वापर पिया सी, बच्चे नूं बाबा वैरसियां ने लै गए, डैड बॉडी सी, बस डैड सीगा जी। तुहानूं इह घटना दा कीवें पता लग्गिया जी वी उहनूं कुटमार जिहड़ी उहदे नाल होई? सानूं इह पता लग्गिया जी, असीं शाम हो गया सी, उहदी डैड बॉडी फ्रिज दे विच ला के घर रख ली सी जी। असीं सोचिया वी एडा तां इह कम्म कर नहीं सकदा, पर जिहड़ा इहने फैसला किवें कर लिया। असी देखिया उपर ओदा सुसाइड नोट सानू मिलेगा जी।
सुसाइड नोट दे विच लिखा गया जी, मैनू स्कूटी ते जा रहा सी, अचानक बच्चा आ गया सीगा, वी मेरी कुछ नहीं सुनी उन्होंने, कोई चीमा पसम वाला कोई दुकान आ गई जी शेरे पंजाब मार्केट दे विच, उन्होंने काफ़ी कुछ नहीं पूछा, बेटे ने बहुत दहाइयां पाइया भी मेरा कोई कसूर नहीं है, मंग ये कर दंगा भी मैं जिहड़ा बच्चा मेरा सुसाइड नोट छड के गया गा भी जिहड़ा उहदे विच 15-18 ने बंदे बुलाए ने बाहरों उन्होंने भी उन्होंने सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ मिलना चाहिए। कैमरे पुलिस पुलिस प्रशासन देख रहा है जी, SHO साहब दड़बा उन्होंने जिहड़े कर्मचारी ने लाए ने वो देख रहे। मेरा नाम जशनवीर कौर है जी, मैं जोगनवीर सिंह की भैन हाँ ते पुत्री हाँ जगसीर सिंह की। मेरा भाई वीरवार परे बाजार दे विच कुछ बंदियां वालों कुट्टिया मारिया गया, जानो मारन दियां धमकियां दित्तियां गईयां, उहनू गाली गलोच कीती उहदे नाल, उहनू बिना मतलब तो उहदे थप्पड़ मारे, उहदे उहनू मारिया कुट्टिया, उहने इही चीज़ तो इही चीज़ करके उहने अगले दिन सुसाइड कर लिया। जे उसकी कोई गलती नहीं सी पर फिर भी उन्हू मजबूर किया गया सुसाइड करन ली। ओ एक नोटिस छड के गया, ओ एना मजबूर हो गया कि अपने माता पिता नाल भी नहीं गल की उसने, उसनू एना धमकाया गया। मेरी प्रशासन नू सरकार नू यही बेनती है कि मेरे भाई नू इंसाफ दिता जावे, उसकी कोई कसूर नहीं सी, ओह पिछे मेरी मां नू छड गया जिहड़ी हर वक्त रोंदी करलाउंदी रहिंदी है, असीं उहनू किवें सांभीए, मेरे पिता हैंडीकैप ने, असीं की करिए। मेरी प्रशासन नू यही बेनती है कि मेरे भाई नू इंसाफ दिता जावे ते जिन्ने भी बंदे सी सारिआं ते कानूनी कारवाई कीती जावे। मिती 16-11-23 दी गल है, शाम नू इह बच्चा बाजार दे विच गिआ सीगा, उत्थे पशम वाली दुकान के कोल दे विच लंघ रहा सीगा, उत्थों पशम वाली दुकान के विचों एक बच्चा निकलिया जिहदे च स्कूटरी वज्जी, तां पशम वाली दुकान के विचों उहदा बच्चे का फादर निकलिया जिन्हें उहदे थप्पड़ थुप्पड़ मारिया घूरता। इस दिन नमोशी चलदे उहने इह मिती 17 नूं सुसाइड कर लिया ते नोट छड गया जिहदे च पशम वाली दुकान के विचों निकलण वाले व्यक्ति बच्चे दे फादर का नाम लै रहा है। रणधीर सिंह पुत्र जरनैल सिंह वासी ललाल का रहने वाला है जिहदा यह बच्चा सीगा, जिहड़ा यह बच्चा इहदी डैथ होई है, यह जगसीर सिंह मास्टर जी का बेटा है, जोगनवीर दसवीं क्लास के बसंत वैली पब्लिक स्कूल पढ़ता है। ये संबंधी मुकदमा नंबर 141 दर्ज हो गया जी, मिटी 18-11-23 ते एक बंदे की अरैसट हो चुकी है 306 IPC दे विच दर्ज। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਨ ਨਿਊਜ਼।